सुधांशु त्रिवेदी जी, आरोप आप पर लगाया है राहुल गांधी ने, संघ और बीजेपी के प्रभाव में ही फेसबुक काम कर रहा है। अब जवाब देते फिर ये कैसे समझाइएगा? उनका ये आरोप है कि भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाली बातें आप लोग करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए संगठनों के पेजेस पर, आपके एमएलए राजा सिंह के पेजेस पर होता और फेसबुक कुछ नहीं करता क्योंकि सरकार का दबाव है। सुधांशु जी, देखिए इस पूरे प्रकरण के तीन पक्ष। पहला तो ये है कि अपनी नाकाम हसरतों का मजार लिए बैठे हुए देश के चिर युवा राहुल गांधी जी जो ख्वाब सजोए थे कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेके, वो नहीं पूरे हो पाए तो शायद वही ख्वाब उनको एक फॉरेन न्यूज़पेपर की छपी हुई न्यूज आइटम में नजर आने लगे। पहला पक्ष ये। दूसरा, खबर कहां छपी? वॉल स्ट्रीट जर्नल में। किसके खिलाफ छपी? फेसबुक के खिलाफ। फेसबुक अमेरिकन कंपनी, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकन अखबार। अंजना जी कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाचने लगे आके अचानक बीच में भैया। अच्छा चलिए, अगर आपको फिर भी कोई आपत्ति है कि फेसबुक भारत में ऐसी कोई बात कर रहा है जो सरकार के फेवर में है, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, अभी जो बेंगलुरु की घटना हुई है उसमें जो आरोप है कि पहले हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी और फोटो, बड़ा आपत्तिजनक फोटो लगाया था, फेसबुक ने हटा लिया था क्या? जवाब चाहिए। फेसबुक पर इसी प्रकार की जानकारियां आती हैं कि इंडियन आर्मी तक ने कहा कि हमारे जवान फेसबुक ना यूज करें। अरे और तो और छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी फेसबुक पे है, अकबरुद्दीन ओवैसी जो हेट स्पीच का प्रतीक है आज की डेट में, वो जलवाय जलाल से फेसबुक पे पोस्ट है, बुरहान वानी फेसबुक पे पोस्ट है। मगर मैंने कहा ना, राहुल गांधी को सिर्फ यही नजर आते हैं, इसलिए यहां पर समस्या और कुछ नहीं है। वो एक अपने बनाई हुई दुनिया में इस कदर पैवस्त हो गए हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और एक सीरियस बात है, आज भारत की डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत देश, आज एक अखबार में छपे एक न्यूज आइटम के ऊपर कहेगा कि पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए, और वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहना चाहता वो कहता है कि हम ये बिजनेस के लिए उन्होंने ऐसा किया। मैं उस आरोप की बात, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल से धर्मार्थ सेवा निकेतन चला रहा है, बिजनेस अखबार दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस लाइन में बैठा हुआ वो धर्मार्थ सेवा निकेतन चला रहा है। खैर, उससे बात ज्यादा जो बुरी बात यह है कि भारत में होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो मैं शुक्रिया से कहना चाहूंगा, अगर एक न्यूज आइटम पे होनी चाहिए तो आइटम तो बड़े जबरदस्त जबरदस्त फॉरेन के अखबारों में निकले। श्वाजर एल एस्टेटे स्विट्जरलैंड का, जिसने कहा था कि इतने बिलियन अकाउंट फ्रैंक, इतने अकाउंट 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक के अकाउंट में है। वोल्का रिपोर्ट ने कहा कि सीधे कांग्रेस पार्टी को तेल के बदले कूपन दिए गए, करवाएंगे जांच, आइए फिर सारी चीजों पे बात करिए। मित्रोकिन जारकाई, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट टू, कैसे कैसे पैसा दिया जाता था 70-80 के दशक में, आइए सारी बातों की जांच करिए। जवलग्न अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन द स्टेट, वो तो केजीबी की चीफ रही, उसने सोनिया जी के बारे में क्या क्या बोला, आइए फिर अगर बाहर में छपी चीजों पे बात करें, जवाब लेते हैं, चलिए तो बहुत भारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। घेर घेर कर पन्नों से पुरानी बातें निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर जांच शुरू हो तो हर बात की जांच हो, और हर ऐसे छपे हुए लेख पर जो अमेरिकी या ब्रिटिश किसी भी विदेशी अखबार में हो, हम देश में पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाए जांच के लिए। आपका जवाब। नमस्कार सुधांशु जी, 4 मिनट 5 सेकंड बोले और मैंने एक भी अपना टिप्पणी इसलिए व्यक्त नहीं करी क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिबेट सिविल होना चाहिए और ये बड़े अहम मुद्दे पर डिबेट है। सुधांशु जी बोलते बोलते बोल गए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शायद भूल गए कि ये हमारे लोकतंत्र, हमारे चुनावों, हमारी सोशल फैब्रिक के बारे में बात हो रही है। WSJ के बारे में जो कहा गया है, अगर उसमें सच है तो चुप रहिए और उसके तत्व दीजिए, अगर गलत है तो सरकार WSJ को सू क्यों नहीं कर रही है? बहुत बड़ी बात कही है WSJ ने। WSJ ने कहा है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, ये हमारी लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहा है क्योंकि ये हेटवादी, ये नफरतवादी हेट स्पीचेस वगैरह फैलाता है, ये कहना है WSJ की रिपोर्ट का। मेरी आशा ये थी कि WSJ की रिपोर्ट के बाद चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे प्रेजेंट केंद्रीय मंत्री हो, चाहे स्पोक्स पर्सन हो, चाहे ट्रोल आर्मी हो, वो फेसबुक से सवाल और जवाब करेगी। यहां तो सवाल और जवाब विपक्ष से करने लगे क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया, ये बेगानी शादी का मामला है। 4 मिनट 5 सेकंड आप बोले, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, हमारे प्रजातंत्र, हमारे देश की बातों की बात हो रही है, हमारे सोशल फैब्रिक की बात हो रही है। बताया गया है कि कैसे फेसबुक की इंटरनल टीम्स ने मुद्दा उठाया और उनके अधिकारियों ने इस पर एक्ट नहीं किया, ये कहकर कि सरकार के विरोध करने में खतरा हो जाएगा बिजनेस को, इसको आप बेगानी शादी बोलते हैं? पहली चीज।
दूसरी चीज जो आपने बोली और वो जरूरी है इस बारे में बोलना कि जिस तरह की हेट स्पीचेस फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देखी गई है, जिस तरह का यूजर बेस है, हम विश्व में सबसे बड़े यूजर बेस है फेसबुक के लिए और हम विश्व में सबसे बड़े यूजर बेस है व्हाट्सएप के लिए। 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स है, 30-35 करोड़ के बीच में फेसबुक यूजर्स है और इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इनको हटाने की। बाकी देशों में ये कुछ और करते हैं, हमारे देश में ये कुछ और करते हैं। आंखी जी की जो आंखी दास जी की बात कही गई है इसमें, उन्होंने साफ तौर से उन्होंने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं लगाई है, प्रेजेंट स्पोक्स पर्सन से बात करके उन्होंने उनको कोट करके कहा कि हाँ उन्होंने इन्फ्लुएंस किया ये डिसीजन, इनकी पोस्ट ना हटाई जाए। अगर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और इस पर मांग नहीं करेंगे तो किस पर मांग करेंगे? लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करनी पड़ेगी, आपको इसकी जांच करानी चाहिए, पूरी पुरजोर तरीके से जांच करानी चाहिए, क्योंकि आज ये एक पक्ष के लिए कर रहे हैं, कल ये दूसरे पक्ष के लिए करेंगे। और अंजना जी मैं तो आपको थोड़ी ये बात बता दूं, ये सब चीजें हम पिक्चरों में और नेटफ्लिक्स के सीरियल्स में देखते थे आज तक कि कैसे सोशल मीडिया इलेक्शंस को और देशों को इंपैक्ट करता है। मुझे नहीं पता था कि हमारे देश में ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आप कितने बच्चों से और लोगों से बात करिए, वो फेसबुक और व्हाट्सएप को ऐसे कोट करते हैं इनते कंठस्थ तरीके से जैसे स्कूल में पढ़ाया हुआ पाठ हो, और आप कहते हैं ये बेगानी शादी का मामला है, ये हमारे देश का मामला है, इस पर जितनी जल्दी और तत्परता से आप जगिएगा हमारे देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा।